नाउ अब हम डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन पढ़ेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, 75 डेसिमल नंबर है, इसको ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो 8 से डिवाइड करेंगे 75 को और यहां रिमाइंडर लिखते जाएंगे। 8 9 जा 72, रिमाइंडर कितना बचा 3। 8 1 जा 8, रिमाइंडर कितना बचा 1। अब हम रिमाइंडर को डाउन टू अप लिख लेंगे, ठीक है। दैट इज 75 बेस 10 इक्वल टू 1 1 3 1 1 3, रिमाइंडर को लिख लिया। अब यही आपका ऑक्टल हो गया, ठीक है। रिजल्ट चेक करने के लिए हमारा इसमें चेक करना है कि कोई भी नंबर 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका नंबर 7 से ज्यादा नहीं है, 1 है 1 है 3 है, ठीक है। 7 से बड़ा कोई नंबर नहीं इसमें। ये आपका डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन हो गया, ओके। नाउ अब हम ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन पढ़ेंगे, ओके। टेक एन एग्जांपल, 113 ये ऑक्टल नंबर है आपका, 113, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्टल नंबर को एज इट इज लिख लेते हैं, 1 1 एंड 3। अब राइट साइड से इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, 0 1 एंड 2। इक्वल साइन लगाएंगे, 1 इन 2। ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल का बेस क्या है, बेस 8 है, तो हर डिजिट में बेस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और बेस की पावर क्या लगाएंगे, जो नंबरिंग की है, 1 इंटू 8 पावर 2 प्लस 1 इंटू 8 पावर 1 प्लस 3 इंटू 8 पावर 0, ठीक है। 1 इंटू 8 पावर 2 दैट मीन्स 8 पावर 2 प्लस 1 इंटू 8 पावर 1 मीन्स 8 प्लस 3 इंटू 8 पावर 0 मतलब 1। किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है मैथमेटिकल रूल से। 8 पावर 0 है तो 8 पावर 0 की वैल्यू 1। इक्वल टू 8 पावर 2 मतलब 8 इंटू 8 प्लस 8 प्लस 3 बन जा 3। 8 8 जा 64 प्लस 8 प्लस 3 इक्वल टू 3 8 11 3 8 11 और 4 15 के 5 एंड 6 1 7 75। यही डेसिमल नंबर हुआ, दैट इज 113 ऑक्टल नंबर, इसका डेसिमल क्या हुआ, 75 बेस 10। अंडरस्टैंड।